आसनसोल में पोस्को एक्ट के तहत पहली सजा, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। वोल्वो बस पकड़ने जा रही महिला उसी बस की चपेट में आकर हुई घायल, बस छोड़कर भागा ड्राइवर। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आसनसोल में भी सिख समुदाय ने किया प्रदर्शन। बिना दोषी सजा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 45 वर्ष के एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। आसनसोल जिला अदालत ने दोषी अधेड़ शख्स कृष्णा भुइया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। इस बाबत सरकारी वकील तापस वकील ने बताया कि रानीगंज थाना के मंगलपुर ग्राम में 19 जुलाई 2017 को यह घटना घटी थी। बच्ची की मां का देहांत होने के बाद वह अपनी बड़ी चाची के साथ रहती थी। उसकी और भी 2 छोटी बहनें हैं। बच्ची की चाची घटना वाले दिन ईंट भट्टी में काम करने गई थी। इस दौरान घर में किसी बड़े के ना होने का मौका देखकर आरोपित ने घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 11:30 बजे लौटने पर बच्ची की चाची ने देखा कि घर में बच्ची नहीं है, हालांकि 2 छोटी बहनें घर में थी। बाद में आरोपित की मां बच्ची को गोद में लेकर आई और घर के सामने उतार कर चली गई। बच्ची के शरीर से रक्त रिस रहा था। तत्पश्चात पीड़ित परिवार ने रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का आसनसोल अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद कृष्णा भुइया फरार हो गया था। लगभग 8 माह के बाद 17 अप्रैल 2018 को उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद कोर्ट में मामला चलने लगा। कुल 11 गवाहों ने गवाही दी, जिसमें 4 चिकित्सक गवाह भी शामिल थे। इन चिकित्सकों की गवाही का कोर्ट के आदेश में अहम भूमिका रही है। 2 तारीख को कृष्णा चौधरी को कोर्ट ने दोषी माना, हालांकि उस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपित को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पीड़ित पक्ष को कोर्ट ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। केस आरम्भ है এবং পক্সো কোর্টে বিচার শুরু হয় এবং আসামি ধরা পড়ে 17/4/2018 এবং তখন থেকে কাস্টোডিতেই উনি আছেন। এই কেসে 11 জন সাক্ষী জিজ্ঞাসাবাদ হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কেসে 4 জন ডাক্তারের সাক্ষী হয় এবং এই কেসে ডাক্তারের কাছে সাক্ষীর উপরই নির্ভর করে এই বিচারটা হয়েছে এবং জঘন্যতম অপরাধ। সেই অপরাধে 2 তারিখ আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। আজকে মহামান্য পক্সো কোর্টে বিচারক শরণ্য সেন প্রসাদ তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ঘোষণা করলেন এবং তাছাড়া 2000 টাকা ফাইন, ওনাদের 2 মাস জেল। এবং আমি আবেদন করেছিলাম যাতে কম্পেনসেশন ভিকটিম গার্ল পায়, সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 3 লাখ টাকা কম্পেনসেশন ঘোষণা করেছেন। আসামিকে জিজ্ঞাসা করেন, আসামি বলেন যে আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী এবং 2 মেয়ে এবং 1 ছেলে আছে। সে যা সাজা ঘোষণা হোক সব কিছু শোনা করে আসাম মহামান্য বিচারক এই রায়টি ঘোষণা করেন। Subscribe to my channel and also press this bell icon. कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के किसानों का दिल्ली केंद्रित आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। पंजाब, यूपी, हरियाणा से किसान पैदल मार्च कर दिल्ली सीमा पर पहुंच चुके हैं। पंजाब के किसानों के समर्थन में अब बंगाल के आसनसोल के सिख समाज भी उतर आया है। शुक्रवार को आसनसोल में सिख समाज के लोगों ने भगत सिंह मोड़ स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के सामने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान आसनसोल के सिख समाज ने सरकार को अविलंब किसानों की मांग पर ध्यान देने की बात कही। कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के साथ किया जा रहा सरकार का बर्ताव सही नहीं है। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा कि कड़ाके की इस ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्र सरकार पानी फेंक रही है, यह गलत है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और आज हमारे देश के जो किसान यूनियन और हमारे अन्नदाता किसान दिल्ली की सड़कों पे एक कृषि के काला कानून के विरोध में जो प्रदर्शन अपना शांतमय कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। हम किसानों का सहयोग करने के लिए पूरे देश में एकजुट होकर उनका सहयोग जरूर करेंगे और भारत सरकार से अपील करेंगे
ये जो कृषि का काला कानून है इस पे फिर से निर्णय लेके जो कि किसानों की हमारी यूनियन है और किसानों के जो कुछ नुमाइंदे हैं उनको लेके फिर से विचार विमर्श करके कानून को फिर से लाया जाए जो किसानों के हित में हो, किसानों को कहीं भी इसकी ठेस ना पहुंचे। और हम आज मीडिया के मार्फत से अपील करेंगे कि हमारे भारत सरकार के कुछ नुमाइंदे जो राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठ के सिख कौम को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को लेके, सिखों को खाली स्थान की जो एजेंसी है उसके साथ में जोड़ के पूरे सिख कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि किसानों के समर्थन में एनडीए के घटक दल शिरोमणि अकाली दल के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना सम्मान यानी अवार्ड लौटा दिया है। वहीं एकाधिक पंजाब के विभिन्न जगत के हस्तियों ने अपने अपने अवार्ड लौटाने की धमकी दी है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा, तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बर्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা স্টেশন রোড नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट लहंगा के लुप्त उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जिस वॉल्वो बस को महिला पकड़ने जा रही थी उसी बस की चपेट में आकर वह घायल हो गई। यह घटना आसनसोल शहर के सबसे व्यस्तम बाजार इलाके के राहा लेन मोड़ के करीब हुई। शाम को करीब 4:30 बजे श्यामली कंपनी के वॉल्वो बस आसनसोल से कोलकाता जा रही थी। बस में यात्री सवार थे। जब बस राहा लेन के करीब पहुंची तो इस भीड़ भाड़ वाले रोड पर अचानक से बस के आगे एक ऑटो आ गई। महिला अपने बच्चे के साथ बस में सवार होने जा रही थी कि तभी जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, पहले बस ने ऑटो को ठोकर मारी, फिर उसके बाद महिला को धक्का दे दिया। हालांकि महिला को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन फिर सिर में इतना जोर से लगा कि खून बहने लगा। उसके चेहरे और कपड़े पर खून पसर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल महिला बच्चे को एक ऑटो में बिठाकर आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। इधर घटना के बाद ही बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। वहीं बस में सवार यात्रियों ने बस खाली कर दी। बाद में उन्हें दूसरी बस से कोलकाता रवाना किया गया। बहरहाल इस दुर्घटना की वजह से काफी देर तक जीटी रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। बस का लापरवाही, क्या हुआ है? बस वाला मार दिया। कैसे करके धक्का? Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.
बर्नपुर के प्रांतिक क्लब प्रांगण में एक समारोह कर मेघावी छात्रों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बर्नपुर के छात्र युवा सांस्कृतिक परिषद के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी, बोर्ड के सदस्य अशोक रुद्रा और काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मानित होने वाले मेघावी छात्रों में बर्नपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल थे। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना की वजह से कई समस्याएं पैदा हुई है, लेकिन प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता। इस आयोजन के जरिए मेघावी छात्रों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जो सराहनीय है। सम्मानित होने वाले बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে বা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে, এই পরিস্থিতিতেও তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তিনি এই কাজটি করেছেন এবং আমাদেরকে সবাইকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। কেননা করোনা যতই সমস্যা আনুক না কেন, করোনা কিন্তু এক্সিলেন্সকে থামিয়ে রাখতে পারে এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূলত শিক্ষা জগৎ হোক, সামাজিক কাজ হোক, অন্যান্য যে বিভিন্ন দিক আছে সমাজের, সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন যারা মেধাবী ব্যক্তি ছাত্র ছাত্রী আছে তাদেরকে সম্মান জানানো এবং 2020 আমরা এটা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরেকটা প্রমাণ হল যে যে পরিস্থিতি হোক না কেন সমাজে অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন আমরা হব, কিন্তু তার মধ্যেও যেখান থেকে আমাদের ইন্সপিরেশন নেওয়া উচিত সেই কাজগুলো কোনোদিন থমকে থাকে এবং তারই প্রমাণ যে এই অনুষ্ঠানে এত দূর ছাত্র ছাত্রী বা বিভিন্ন কাজের যারা আছে তারা সবাই এসছে এবং আমি অসংখ্য অভিনন্দন জানাই যে এক বছর হয়তো হঠাৎ উৎসাহ এবং বেশ কিছু উৎসাহ উৎসাহী যুবক যুবতী একটা অনুষ্ঠান করতে পারে, কিন্তু কন্টিনিউ আজ 8 বছর 9 বছর এটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ডেডিকেশন লাগে। There, subscribe to my channel and also press this bell icon.